2018 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाले दीपक चाहर के प्रदर्शन पर लोगों की निगाहें हैं। वो T20I क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए। चाहर ने 6-7 के आंकड़े के साथ T20I क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े को पूरा किया, जिससे उनकी मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज जीत ली। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मौजूदा राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे ने इस युवा गेंदबाज की प्रशंसा की। बहुत अच्छा क्रिकेटर है और प्रॉमिसिंग है, हम उसे इंडिया ए से बैक कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि वो उसने हैट्रिक ली और यू नो बेस्ट फिगर्स उसको प्राप्त हुआ। दीपक T20 क्रिकेट मैच के साथ 2 सफल मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बने। उन्होंने मंगलवार को अपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में राजस्थान के लिए हैट्रिक ली। यह उनका 48 घंटों में दूसरा हैट्रिक है और परांजपे को लगता है कि यह प्रदर्शन चाहर के लिए बेहतर रहेगा। पूर्व क्रिकेटर ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा की। टीम तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, अभी काफ़ी यंगस्टर्स भी आए हैं, तो देखते हैं अभी कैसे आगे होता है। थोड़ी इंजरीज भी है, उनके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा, लास्ट 2-3 साल से अच्छा चल रहा है।